आप सभी लोग का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के तीन प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं या पार्ट टू है, और इनको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। आप भी आंसर निकाल पाएंगे और सिंपल तरीके से इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया, यानी तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और उस काम की मजदूरी जो यहाँ पर 3700 रुपये मिली, 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुई। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात किए, यानी मोहन का हमें हिस्सा बताना है इस 3700 में कितना है। राम और श्याम, तो देखिए राम, श्याम और मोहन। अब राम जो हैं 20 दिन में काम करते हैं, श्याम यहाँ पर 25 दिन में कर सकते हैं, और मोहन जो है यहाँ पर 30 दिन में कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इनका कार्य दिन दिया गया है। अब यहाँ पर जो भी इनके दिवस हैं इनका निकालते हैं यहाँ पर एलसीएम कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इनका लसा निकालेंगे तो लसा कितना हो जाएगा इसका 300। अब 300 कैसे, 300 एक ऐसी लिस्ट नंबर है जो 20 से भी कट जाती है, 25 से भी कट जाती है और 30 से भी कट जाती है। इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों से कटे, ठीक है। तो लसा निकालने के कई तरीके हैं, आप लसा सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। फिलहाल लसा निकाल के हम नहीं बताएंगे, बाकी आप लसा निकालना आपको आना चाहिए। यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से 15 बार, और फिर आप इसे डायरेक्ट 5 से काट दें, 5 × 2 = 10, 5 × 25 और 5 × 3 = 15। तो यहाँ पर इन सभी को गुणा करेंगे तो 300 मिल जाएगा। तो ये लसा निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, 20 से जब 300 को भाग देंगे तो कितनी बार लग जाएगा, 15 बार लग जाएगा, ठीक है। 25 से यहाँ पर जब 300 को भाग देंगे तो कितनी बार लगेगा, तो आप बताएंगे 12 बार लग जाएगा। 30 से जब 300 को भाग देंगे तो 10 बार ही लग जाएगा। तो यहाँ पर राम की एफिशिएंसी 15 आ गई है, श्याम की एफिशिएंसी 12 आई है और मोहन की एफिशिएंसी एक दिन की 10 आ गई है। अब बोला गया था यहाँ पर तीनों ने काम पूरा किया, ठीक है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो भी इनकी आई है इनका हम योग कर लेंगे, क्योंकि अब हमको रुपये बांटने, इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से ही इनके रुपये मिलेंगे इनको, ठीक है। तो कार्य की क्षमता जो यहाँ पर जितनी भी, इनका हम योग करेंगे तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 और 12 हो जाएगा 27, 27 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37, ठीक है। अब बी के यहाँ मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करना था, तो मोहन का यहाँ पर पारिश्रमिक देखेंगे, मोहन का हिस्सा कितना है, एफिशिएंसी कितनी है, तो यहाँ पे 10 है तो 10 ऊपर रखेंगे, और टोटल एफिशिएंसी का जो कितना निकल के आया था 37 आ गया था, ठीक है। और कुल रुपये जो प्राप्त किए थे वो 3700 यहाँ पर थे। अब 3700 में मोहन का हिस्सा कितना है ये निकालना था। अब 37 कम 37 और 20, ठीक है। तो यहाँ पर मोहन का हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ पे 100 × 10 यानी 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 1000। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1000 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपया हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब देखिए यहाँ पर ए और बी ये अलग अलग दिन में कार्य पूरा करते हैं, ये 10 दिन में पूरा कर लेते हैं और ये 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी ऐसा बोला गया है ये 10 दिन में कर सकते हैं, खो सकते हैं, ये 15 दिन में खो सकते हैं, हमने लिख लिया। अब यहाँ पर जो भी इनकी कार्य क्षमता थी, अब इसका निकालेंगे एलसीएम, यानी लसा निकालेंगे, तो 10 और 15 का लसा निकलता है 30, ठीक है। इससे कोई भी छोटी संख्या नहीं है 30 से छोटी, जो 10 से भी कट जाए 15 से भी कट जाए। तब 10 से काटेंगे तो 3 बार लग जाएगा और 15 से काटेंगे तो 2 बार लग जाएगा, यानी 15 × 2 = 30, 10 × 3 = 30 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर जो भी इनकी एफिशिएंसी आई है, यानी कि ए जो है ए की एक दिन की एफिशिएंसी है 3 काम कर लेगा, और यहाँ पर ये एफिशिएंसी कितनी आ गई है बी की, 2 एफिशिएंसी आ गई है। अब एफिशिएंसी का यहाँ पर कर लेंगे हम योग, जो भी इनकी कार्य क्षमता है यहाँ पर इनका योग करेंगे, 3 × 2 = 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बी का रुपये कितने मिलेंगे, जिस हिसाब से इनकी एफिशिएंसी थी, कार्य करने की एफिशिएंसी थी, उसी हिसाब से इनको रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी की निकालनी है, तो बी को लिखना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 2, तो 2 ऊपर लिखेंगे, और टोटल एफिशिएंसी का योग कितना है यहाँ पर 5, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल रुपये जो प्राप्त हुए हैं वो 450 रुपये, इसमें हिस्सा कितना है बी का, तो 5 से अब काट देंगे, 5 × 5 = 5, 5 × 9 = 145, अब 0 हो गया, 9 × 2 = 18, 1 = 0 यानी 180 आ जाएगा,
कितना आ जाएगा 180। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे 450 में, तो बताएंगे आप 180 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, ए ने किसी काम का 1/3 भाग पूरा किया, बी ने 2/5 भाग पूरा किया तथा सी ने शेष काम किया। जो बचा हुआ शेष था यानी ए ने जितना ए ने 1/3 भाग कर लिया, बी ने 2/5 भाग किया, जो बचा हुआ शेष काम था सी ने पूरा किया। तब पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली हो तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम ए की निकालेंगे यहाँ पर कितना काम किया, बी ने कितना किया, सी ने कितना किया, इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो ए के द्वारा किया गया 1/3 भाग, ठीक है, और बी के द्वारा किया गया 2/5 हिस्सा, सी के द्वारा हमें नहीं पता, तो सी के द्वारा निकाल दें। पहले ए बी का जोड़ लेते हैं कितना हुआ, क्योंकि मानते हैं कि एक काम पूरा था हमारा, उसमें से हम माइनस करेंगे इन दोनों का सम, यानी दोनों ने जो काम कर लिया ये हम जोड़ करके टोटल काम से माइनस कर देंगे। तो काम तो पूरा एक ही होता है, तो एक से हम माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ काम था वो निकल आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 1/3 प्लस 2/5, ठीक है, ये पूरा काम था, उसमें से ए के द्वारा किया गया काम और बी के द्वारा किया गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे टोटल एक काम से माइनस कर लेंगे, तो बचा हुआ जो काम आएगा वो सी का निकल आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका बनेगा 5 × 5 और 3 × 2 = 6 और 5 × 3 = 15, ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 11/15 मिल जाएगा यहाँ पर इन दोनों का नंबर जोड़ने पर। तो एक माइनस एक से माइनस करेंगे 11/15 को, आप डायरेक्टली यहाँ पे कम कर सकते हैं 15 × 15 और माइनस करेंगे 11 को और नीचे 15 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/15। तो यहाँ पे निकल आया कितना 4/15। अनुपात हमारा देखिए फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसे हम होल नंबर में लेके आते हैं, यानी कि संपूर्ण संख्या में, जैसे 1, 2, 3 ऐसे भी लिखे होते हैं इस तरीके से, तो हमें इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए जो भी नीचे नंबर्स दिए जाते हैं जैसे 3, 5, 15, इनका हम लसा निकालेंगे। तो 3, 5, 15 जो संख्या है इसका लसा निकलता है 15 ही निकलेगा, एलसीएम कितना 15। तो 15 ये सबसे छोटी संख्या है जो 3 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी और 15 से भी कट जाएगी, इसलिए ये हमारी एलसीएम हो जाएगी। तो यहाँ पर 15 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 15 से गुणा कर देंगे और काट देंगे यहाँ पर 3 × 3 और 3 × 5 = 15, 5 × 5 और 5 × 3 = 15 और 15 × 15 15 × 15। तो इस तरीके से 5 × 5 हो जाएगा और 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 4 × 4। इस तरीके से हमारा अनुपात निकल के आ गया है, ए अनुपात, बी अनुपात, सी का 5:6:4, ठीक है। अब अनुपातिक योग यहाँ पर हम इसका निकालेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, योग कितना हो जाएगा अनुपाति योग, तो आप बताएंगे यहाँ पर 15 हो जाएगा, क्योंकि 6, 4, 10, 5, 15, ठीक है। अब इसमें सी की मजदूरी का हिस्सा बताना था, तो सी की यहाँ पर एफिशिएंसी यहाँ पे जो भी आई है वो है 4, तो 4 ऊपर लिख देंगे और टोटल इनका सम कितना आया था 15 है, तो यहाँ पर अब वो कुल रुपए जो प्राप्त किए थे यहाँ पर मजदूरी में वो 1350 रुपए थे, 1350 में हिस्सा बताना था। अब यहाँ पे काट देंगे 15 × 15 = 135, ठीक है, 1 0 था, 9 × 36 = 0, यानी 360 आ जाएगा, कितना आ जाएगा तो आप देखेंगे 360। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 360 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं छोटी छोटी वीडियोज़ जो हैं आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना।